नमस्कार। आज हम अश्वत्थासन करने का तरीका, उससे होने वाले फायदे व किन किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। खड़े होकर करने वाले आसनों में अश्वत्थासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। कमर को प्रभावित करने वाला ये आसन एक उपयोगी तथा बहुत ही सरल आसन है। आइए जानें अश्वत्थासन के बारे में। अश्वत्थासन करने के लिए एड़ी पंजा मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं सटाकर रखें। अब दाया हाथ और दाया पैर पीछे से पीछे लेकर जाएं, बाएं भुजा को ऊपर कान के साथ सटाएं, हथेली का रुख सामने की ओर रखें, श्वास भरते हुए बाएं पैर पर आएं, पीछे वाला हाथ और पैर ऊपर से ऊपर उठाएं, हाथ आसन के समानांतर रहे, बने रहे इस स्थिति में। बहुत धीरे धीरे वापिस आएं। यही आसन बाएं तरफ से करेंगे। बायां हाथ और बायां पैर पीछे से पीछे लेकर जाएं, दायां हाथ ऊपर भुजा कान के साथ सटी हुई, हथेली का रुख सामने की ओर, श्वास भरें, दाएं पैर पर आएं, बायां पैर और हाथ ऊपर से ऊपर उठाएं, बने रहे इस स्थिति में। धीरे धीरे वापिस। अश्वत्थासन करने से लोअर बैक पेन में आराम मिलता है, रीढ़ लचीली बनती है। स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा आसन है, फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। किन किन को यह आसन नहीं करना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। कमर में या हिप में दर्द अधिक हो तो यह आसन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।